5.3 गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने बल व गति के संबंध को समझकर गति के नियम प्रस्तुत किए। न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो। इसे गति का प्रथम नियम कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है, जड़त्व वस्तु की वह प्रवृत्ति है जिसके कारण वस्तु उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अतः गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या आप गति के प्रथम नियम के अनुसार उदाहरणों को समझा सकते हैं? कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं, पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे फल नीचे गिरते हैं। क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? जब हम चलती हुई रेलगाड़ी में एक ही स्थान पर खड़े होकर उछलते हैं, तब उसी जगह पर दोबारा आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है?